हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ट्रेंड एंड स्टॉक्स। तो देखिए, आज की जो एक्सपायरी है दैट वाज वेल प्लेस्ड बिटवीन 17,400 एंड 17,600, जैसे कल हमने निफ्टी की वीडियो में प्रिडिक्ट किया था ओआई के स्टेटस के हिसाब से। ज्यादा जानकारी आज की निफ्टी की वीडियो में लेंगे कि कल यानी कि टुमारो ऑनवर्ड जब एक नए हफ्ते की शुरुआत होगी तो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा, एंड दिसंबर सीरीज में क्या वो मैजिक होने वाला है जो शायद निफ्टी को 18,000 के लेवल के पार पहुंचा दे एक बार फिर से। वो सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे उसमें ओआई डेटा के हिसाब से एंड ऑल अदर मैक्रो एंड माइक्रो फैक्टर्स के हिसाब से। आईटीसी के अंदर देखिए, आज एक ऐसा जादू चला है कि इस स्टॉक ने 5% की तेजी दिखाई है बहुत दिनों के बाद में। आईटीसी के बारे में थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, एक ऐसी कंपनी जो टोबैको के प्रोडक्ट्स बनाती है प्रोमिनेंटली, लेकिन अगर ओवरऑल इनका बिजनेस देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी दिखाई देगा। होटल्स का भी बिजनेस है, पेपर्स का भी बिजनेस है, इसके अलावा अगर आप देखें एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी ये लोग हैं, लेकिन कोई भी ऐसा बड़ा चेंज पिछले 5 से 10 सालों के अंदर आईटीसी मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में अपने निवेशकों के सामने नहीं रख पाई है, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस HUL या फिर और जो इस सेगमेंट की बड़ी कंपनीज है उनके साथ बराबरी कर पाए। आईटीसी अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखेंगे तो टॉप 10 कंपनीज में शुमार है निफ्टी की, लेकिन बावजूद इसके इसका स्टॉक प्राइस 250 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाता। तो एक बहुत लंबे टाइम से इसके स्टॉक प्राइस ने जो एक कंसोलिडेशन दिखाया है उसको लेके अब कुछ बड़ा करने की योजना आईटीसी की है, इसके मैनेजमेंट की है, जिसकी वजह से कंपनी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है आज अगर आप देखेंगे, जिसमें लिखा गया है कि कंपनी इज होल्डिंग इट्स इंस्टीट्यूशनल एंड इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट डे ऑन ट्यूजडे 14th December 2021 फ्रॉम 10:30 AM। एक वर्चुअल मीटिंग रखने जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट की ऑन 14th December को, जिसमें शायद कोई बड़ा डिसीजन आता हुआ दिखाई दे या फिर कोई बड़ा आउटकम आता हुआ दिखाई दे। देखिए, ये एक कैश रिच कंपनी है, इसके पास में बहुत कैश है, लेकिन प्रमोटर्स नहीं है। आपको पता होगा आईटीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, शायद यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि कोई फर्म डिसीजन यहां पर नहीं लिया गया। पिछले एक दशक के अंदर एक्विजिशंस तो बहुत सारे हुए हैं और डिविडेंड भी बहुत हैवी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन ऐसी कोई विल पार मैनेजमेंट की तरफ से नहीं दिखाई दी जो इस स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जा सके। एक नो डेट कंपनी, एक हैवी कैश कंपनी, उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा बुरी हालत स्टॉक मार्केट पे इस स्टॉक की है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए सवाल तो पैदा करता ही है। जबकि आप जिसको भी सुनेंगे आईटीसी को लेके, वो अपने एक पॉजिटिव व्यू को देता हुआ नजर आता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो यहां पर देखिए अब क्या पॉसिबिलिटी बन रही है वो हम देखते हैं। ये पूरी कहानी मैंने आपको ब्रीफ बताया है कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है 14th December को, सुबह 10:30 बजे मीटिंग है, उसका क्या आउटकम आता है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से पता चलेगा कि इसके अंदर कोई बड़ा चेंजेस होने जा रहे हैं अब या नहीं, क्योंकि अब शायद अगर अब नहीं हुआ तो वो कभी भी नहीं होगा। ये पहली बार कंपनी ऐसा करने जा रही है, ऐसा स्टेप उठाया है, तो अगर इसके अंदर भी वो कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं उठाए गए कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ निकले, तो फिर इस स्टॉक में देखिए बने रहने का कोई सवाल आपके पास में होना नहीं चाहिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 14th December तक इसके अंदर इसी टाइप का बाइंग प्रेशर जारी आपको दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल थोड़े से स्टैट्स देख लेते हैं, आज की डिलीवरी पोजीशंस देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा। लगभग 30% के आसपास की डिलीवरी पोजीशंस आ रही हैं। 52 वीक हाई की बात करें 265 रुपीज का है 18th October 2021 का, 197 रुपीज के आसपास 52 वीक लो है 22nd December 2020 का। ये डेटा आपके सामने है। अब देखिए चार्ट्स के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में चार्ट्स हमें क्या दिखा रहे हैं। तो अगर हम डेली चार्ट्स देखें आईटीसी के, तो आपको क्लियरली दिखाई देगी कि आज की ये जो ग्रीन कैंडल है, ऐसी ग्रीन कैंडल बहुत टाइम पहले हमें दिखाई देती इस स्टॉक के अंदर। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत ये लो बीटा काउंटर है और इसके अंदर बहुत कम मूव्स ऐसे देखने को मिलते हैं अगर आप कंपेयर करेंगे निफ्टी से। आज एक हैवी वॉल्यूम्स के साथ में ये स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ तो निकला है। RSI ने भी अगर आप देखेंगे सडन बहुत अच्छा मूव बनाया है 45 के लेवल से, और सीधे अगर आप देखें ऑलमोस्ट 60 के लेवल पर जाने की कोशिश इसने की है। तो डायरेक्शन एंड लेवल के हिसाब से RSI भी इसको एक पॉजिटिव नोट देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही में अगर आप देखें प्राइस ने तो ऑलरेडी यहां पर एक जंप दिखा दिया है। तो अब इंतजार होगा 14th December का। मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर यहां से बाइंग एक्शन और जनरेट हो सकता है। एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर, एक एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस है, वो देखिए इन लेवल्स के आसपास है जो मैं यहां पर मार्क करने जा रहा हूं 246 पर।
246 रुपए अगर ये आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में निकाल देता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक वापस से अपने प्रीवियस 52 वीक हाई को कैच करने की कोशिश करेगा जो एक्चुअली में 265 रुपीज के हैं। तो 246 रुपीज निकलता है ऊपर की तरफ तो 265 रुपीज तक के टारगेट इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो काफी अच्छा मोमेंटम है, इस मोमेंटम में प्ले कीजिए। बाकी आउटकम क्या आएगा देखिए, लॉन्ग टर्म का तो उसी से व्यू निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब इस स्टॉक के अंदर कुछ बड़ा जरूर होने वाला है और हाई एक्सपेक्टेशन है कि यहां से इसके स्टॉक प्राइस में कुछ ऐसे मूव्स आ सकते हैं जो इसके स्टॉक प्राइस को 300 एंड प्लस के लेवल पर जाकर स्टैग्नेंट करवा दे, क्योंकि वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इसको उस रेंज में आना है जिस रेंज में एचयूएल, मैरिको, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक प्राइस चला करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा और अगर आप वैसा व्यू समझते हैं तो ये भी चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत बेस्ट टाइम होगा इस स्टॉक के अंदर बाइंग बनाने का। ठीक है, 236 रुपीज पर अभी इसका स्टॉक प्राइस है, ज्यादा से ज्यादा इसका नीचे का जो बेस है वो अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो इससे नीचे की जाने की उम्मीद इसकी अभी नहीं है जो 220 रुपीज की है। लेकिन अगर आप रिस्क को और थोड़ा सा फर्दर एनहेंस करते हैं तो मैं समझता हूं एक और बेस आप निकालिए इसका, जो बेस यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा एंड दैट्स बीइंग ऑफ 200 रुपीज। 200 रुपए के नीचे ये स्टॉक निकले तो आपको एग्जिट कर लेना है अगर आप लॉन्ग साइड में इसके अंदर रहना चाहते हैं, थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव आप रखना चाहते हैं, थोड़ा सा बल्क बाइंग यहां करना चाहते हैं। तो बेस्ट व्यू रहेगा 200 से नीचे निकलते ही यहां पर एग्जिट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इस स्टॉक के अंदर बने रहिए क्योंकि हैवी डिविडेंड ये स्टॉक देता है और अगर 14th ऑफ दिसंबर की मीटिंग से कोई बड़ा आउटकम निकलता है तो फिर डेफिनेटली आपकी प्राइस, आपका जो मनी है वो यहां से डबल भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज हु नोज व्हाट प्लानिंग दे आर कंसीडरिंग टू यूज दैट कैश विच इज ऑन द बुक्स ऑफ आईटीसी। तो इस पॉजिटिव नोड के साथ में आईटीसी ट्रेडिंग एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छे लेवल पर दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस मैंने आपको दिखाई दिया है, टारगेट्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म में दो टारगेट्स हैं आपके पास में और ये टारगेट्स अगर निकलते हैं तो फिर बड़ा मूव डेफिनेटली आपको यहां से दिखाई दे जाएगा। तो आई होप देखिए सारी इन्फॉर्मेशन एंड ये टेक्निकल लेवल्स आपको समझ में आए होंगे आईटीसी के अंदर, और अगर आप चाहें तो देखिए डेफिनेटली इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से कोई भी कॉल आईटीसी के अंदर ले सकते हैं, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लीजिएगा, तभी देखिए इस स्टॉक में आपको पैसे लगाने चाहिए। तो फिलहाल देखिए इस वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।